नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। बात करने जा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम क्या होने वाली है, अंतिम एकादश क्या होने वाली है, 11 खिलाड़ी वो कौन से होंगे जैसे जो इस मुकाबले में जगह बना पाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी को जानते हुए निश्चित तौर पर यह कहना बेहद दिलचस्प है कि महेंद्र सिंह धोनी टीम में बदलाव नहीं करते हैं, लेकिन पिछले मैच में हमने देखा था कि जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ टीम में आने के लिए एलिजिबल हुए, यानी उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई लगातार, तो वो टीम में आ गए। अब पूर्व मुझे आप बताइए, क्योंकि ड्वेन ब्रावो भी अब जो खबर आई है हमारे पास वो ये है कि 2 तारीख से शायद ज्वाइन कर लेंगे, जो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इस टीम का मैच है। बिल्कुल, उसमें अभी वक्त है, लेकिन इस मुकाबले से पहले क्या आप कोई बदलाव देखते हैं? क्योंकि पिछले मैच में चाहे आप सैम करन देखें, चाहे आप ऋतुराज गायकवाड़ देखें, इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेले, लेकिन फिर यही धोनी की कप्तानी सामने निकल कर आती है कि वो मौका देते हैं। बिल्कुल, मेरे पास पूरी प्लेइंग 11 मौजूद है। राइडू के लिए भी मैं पूछना चाहूंगा, क्या राइडू को जो चोट लगी थी उससे वो वापसी कर पाएंगे या नहीं? देखिए, खबर तो ऐसी आ रही है कि राइडू खेल सकते हैं, और अगर राइडू आते हैं तो ये मानकर चलिए बाकी पूरी टीम वही रहेगी, गायकवाड़ की जगह पर अंबाती रायडू आ जाएंगे। और अगर अंबाती रायडू पूरी तरीके से एक बार फिर से मैच से पहले टेस्ट होता है उसमें अगर वो फिट नहीं निकल पाते हैं, तो एक बार फिर से उसी प्लेइंग 11 के साथ महेंद्र सिंह धोनी जाएंगे। ठीक है, तो ये एक दिलचस्प अपडेट इसमें कि सबसे पहली बात कि पहले मैच में अंबाती रायडू थोड़े से चोटिल लग रहे थे, इंजर्ड लग रहे थे, इस वजह से उन्हें सेकंड मैच में कंटिन्यू नहीं कराया गया, क्योंकि चेन्नई की टीम के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो चोट है वो कहीं ना कहीं एग्जरेट कर जाती है और उसको फिर रिकवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा रायडू भी इस वजह से बाहर हो चुके हैं, केदार जाधव भी इस वजह से पिछले सीजन्स में बाहर हो चुके हैं। तो ये एक दिलचस्प कॉल है, अगर रायडू फिट है तो रायडू इस टीम प्लेइंग 11 में आएंगे कल के मुकाबले में दिल्ली, आज के मुकाबले में माफ कीजिएगा, दिल्ली के अगेंस्ट। और फिर अगर रायडू फिट नहीं होते हैं तो आप वही प्लेइंग 11 देखेंगे जो हमने राजस्थान के अगेंस्ट देखी थी। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।